नमस्कार प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और अभी कबीर के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में और एक पद से संबंधित यहाँ सच्चे दिल से जो भगवान से प्यार करता है, मतलब वास्तव में वास्तविक भगवत भक्त क्या समझ सकता है, और इसके लिए बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से कबीर यहाँ बताना चाहते हैं। देखिए पहले पद और पद से एक साथ साथ व्याख्या भी हम देखेंगे। अंतर कमल प्रकाशिया ब्रह्म वास तह होई मन बवरा तह लुबदिया जानेगा जन कोई। यहाँ देखिए हाँ शब्दार्थ देखे तो लुबदिया मतलब लुब्ध हो गया, जन मतलब यहाँ भक्त, भक्त की क्या स्थिति है। देखिए अंतर कमल प्रकाशिया यहाँ बताते हैं हृदय के भीतर मतलब हमारे हृदय के अंदर जो कमल प्रकाशित हो रहा है, और इसके साथ साथ ब्रह्मा वास तह होए, और कहाँ होए वहाँ ब्रह्मा का निवास है। किस प्रकार ब्रह्मा है, वो ज्ञान ब्रह्मा निर्गुण ब्रह्मा निर्गुण निराकार परब्रह्म नारायण गोविंद जनार्दन वल्लभ, ये तो इस प्रकार अनेक उपनामों को कबीर ने बार बार ये अभिव्यक्त किया है। सिर्फ निर्गुण है लेकिन लगभग भगवान के श्रीमन नारायण के विभिन्न उपनामों को बहुत बढ़िया सुंदर रूप में प्रयुक्त किया है कबीर। और यहाँ देखिए और आगे दूसरे जो पंक्ति में बताते मन बवरा तह लुबदिया जानेग जन कोई। यहाँ बताते हैं देखिए मन रूपी भंवर उस कमल पर लुब्ध होकर मतलब उससे बिल्कुल आकर्षित होकर उससे रमण करता रहता है, परंतु इस रहस्य को कोई प्रभु का भक्त ही जान सकता है। यहाँ प्रभु के लिए बहुत भक्त होते हैं लेकिन वास्तव में एक सच्चा भक्त कौन है, इसके लिए प्रमाण क्या है। यहाँ कबीरदास बहुत बढ़िया सरल शब्दों में अंतर कमल प्रकाश या ब्रह्म वासता हुए मतलब हमारे अंदर ही भगवान है, मतलब यहाँ श्रीमन नारायण की जो बात करते हैं नारायण या निर्गुण निराकार परब्रह्म या ज्ञान ब्रह्म, क्योंकि कबीर आदि ज्ञान साधना के बहुत अवलंबन करने वाले, मतलब ज्ञान को बिल्कुल ज्ञान के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति या भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं क्योंकि ज्ञान मार्ग वाली है। ये ज्ञान ब्रह्मा कहाँ है, हमारे अंदर ही नहीं, लेकिन वहाँ इसके साथ साथ ये भी कहते हैं ब्रह्म वास तहाँ होए मतलब वहाँ कौन रहते हैं उस अंदर, हमारे ब्रह्म मतलब ज्ञान ब्रह्मा निर्गुण ब्रह्मा कहाँ है, हमारे मन के अंदर ही है। लेकिन मन बवरा तहाँ लो बदिया जानेग जन कोई, यहाँ बताते हैं यहाँ देखिए और जहाँ ब्रह्म निवास करते हैं मन रूपी बवर अंदर मतलब कमल क्या है, भगवान है कमल के अंदर मतलब हमारे मन है तो वहाँ भगवान स्थित है, और वहाँ मन रूपी क्या मन है भगवत भक्त, भक्त मतलब ऐसे भक्त हैं दिखावा दिखा करने वाला नहीं, जो मनसा वाचा कर्मणा मन वचन क्रम जो नंदन नंदन वहाँ सूरदास कहते हैं मन वच मन क्रम वचन नंदन नंदन समझ, इसी यहाँ भी सभी संत हैं यहाँ भी कहते हैं जो भक्त मनसा वाचा कर्मणा भगवत भक्त होता है, भगवान के अलावा के कोई कुछ नहीं चाहते हैं, वैसे लोग उनके मन क्या होता है उनके लुब्ध मतलब उनसे बिल्कुल ऐसे उनके प्रति इतने आकृष्ट हो जाते हैं और उनसे रमण करता रहता है, मतलब उनके साथ ही रहते, क्योंकि जहाँ कमल है तो वहाँ भंवर रहना ये तो साधारण सी बात है, और इस रहस्य को कोई प्रभु का भक्त ही जान सकता है, क्योंकि प्रभु का भक्त यहाँ मतलब कबीर का कहना है कि प्रभु मतलब जो भगवान को सच्चे अर्थों में जानते हैं, जो भगवान को जानते हैं या भगवान को जानना चाहते हैं इस मार्ग में, मतलब भगवान को जानने की ज्ञान ब्रह्मा की
साधना और ज्ञान ब्रह्मा को पाने की इस साधना में स्थित, इस साधना में रत जो भक्त होता है वो समझ सकता है कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ है। मतलब भगवान और कहीं नहीं है, हमारे दिल के अंदर ही है, यही कहना कबीर का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।